So our new chapter is reduction of second degree equation in standard form. इससे पहले भी हमने डिग्री के बारे में डिस्कस किया था. डिग्री से हम लोग क्या समझते हैं? क्लास में बताया था मैंने ना, डिग्री का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग डिग्री मेजर करते हैं. सेकेंड डिग्री होने का मतलब टू दी पावर टू, पावर टू होना चाहिए. और अगर 2xy है तो उसका डिग्री क्या होगा? 2. उसका भी डिग्री 2 होगा. x का 1 पावर और y का पावर 1, दोनों को ऐड करके हम लोग निकालते हैं. तो सेकेंड डिग्री का जनरल फॉर्म, इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आपको याद रखना है. तो सबसे पहले लिखिए द जनरल इक्वेशन of second degree is ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus equal to 0. This is known as general equation of second degree. बहुत जगह use होगा, बहुत बार आपको लिखने के लिए भी बोला जाता है, what is the general equation of second degree? तो हमारे conic section में this equation is described as the general equation of second degree. याद रहेगा सबको? Yes ma'am. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है. इसको हम लोग S से भी indicate करते हैं. We also write S is equivalent to, this expression जो है that is equivalent to S, एक notation दिया गया है, तो इससे हम इसको हम लोग S से indicate करते हैं. In short, तो S is equivalent to मतलब similar to AX square plus BY square plus 2HXY plus 2GX plus 2FY plus equal to 0. ठीक है, कहीं कहीं आपको S दिखेगा, अगर कैपिटल S तो कैपिटल S का मतलब दिस एक्सप्रेशन AX स्क्वायर से लेकर प्लस C तक. तो इन शॉर्ट जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है उसको हम लोग S इक्वल टू 0 इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं. इन we have a notation delta, जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी आप लोग के साथ, एक डेल्टा भी हम लोग यूज करते हैं. तो इसी जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसमें एक कंडीशन आता है that is described as delta. तो एक और नोटेशन हम लोग यूज करते हैं डेल्टा, इसका मतलब होता है ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. तो डेल्टा क्या होता है ये भी आपको याद रखना है. डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. लिख लिया यहां तक? Yes, ma'am. So this expression, जो general equation of second degree है, ये circle कब represent करेगा इसके लिए condition है, और ये conic section कब represent करेगा इसके लिए condition है, pair of straight line कब represent करेगा इसके लिए condition है. So
give this as equation 1. So equation 1 will represent a circle if A is equal to B and H is equal to 0. ये सारा ऑब्जेक्टिव्स में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है. अगर ए और बी को इक्वेशन दिया गया है जिसमें आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है और वाई स्क्वायर का जो कोफिशियंट है दोनों सेम है और एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, एच जीरो होने का मतलब देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स वाई, तो आप देख के ही बता सकते हो कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्कल. One will represent pair of straight lines if delta is equal to 0. Delta का मतलब मैंने बताया क्या होता है, तो अगर आप उस value में a, b, c सारा values निकाल कर put करते हो तो अगर आपका वैल्यू जीरो आता है तो यू कैन से दैट कि आपका जो इक्वेशन वन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा एंड इक्वेशन वन विल रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो. अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप बोल सकते हो कि जो इक्वेशन वन है वो कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो मैम. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. यू हैव एन एग्जांपल, जैसे एक इक्वेशन दिया रहेगा आपके पास, मान लीजिए x square plus 2y square plus 3x. मान लीजिए एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है? यस मैम, है ना, उसी फॉर्म में है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. एग्जैक्ट टू नहीं दिख रहा है, टू हम लोग अपने से बना सकते हैं, तो उसी फॉर्म से मिलता जुलता है. तो दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री. अब आप बताइए क्या ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा? नो मैम. नो, क्योंकि आपका कंडीशन है ए और बी इक्वल होना चाहिए. तो आप देख रहे हो ए इज 3 एंड बी इज 2, तो ए और बी इक्वल नहीं है, मतलब ये सर्कल रिप्रेजेंट नहीं करेगा. डेल्टा निकाल सकते हैं यहां से. ए कितना है यहां पे? ए इज 3, बी इज 2, एच एच कितना है? इट्स 1, जी कैसे वन आएगा? जी तो वन नहीं है. थोड़ा सा उस इक्वेशन से टैली करने का कोशिश कीजिए, बताइए जी कितना होना चाहिए. इट शुड बी 5/2, है ना. 2gx का फॉर्म नहीं दिख रहा है, तो अगर हम लोग 2 यहाँ अप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 करना होगा. 2gx का फॉर्म बनाइए तो यू विल गेट g as 5/2. f फोर वाई को आपको 2fy इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो f कितना हो जाएगा? 2 एंड c
तो डेल्टा का एक एक्सप्रेशन मैंने बताया ना, ए बी सी प्लस टू एफ जी एस, सारा वैल्यूज वहां पुट कीजिए और डेल्टा निकालिए कितना आ रहा है. क्या रहा डेल्टा इक्वल टू, माइनस 15 बाय टू. माइनस 15 बाय टू सबका यही आ रहा है. और किसी का सेम वैल्यू आया? ये आ रहा है, चेक कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो बताइए मुझे. अगर माइनस 15 बाई 2 आ रहा है, दैट मीन्स डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉनिक सेक्शन. सो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कॉनिक सेक्शन. कॉनिक सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? कॉनिक सेक्शन के अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स. पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला. तो अब हमारा काम है कि कॉनिक सेक्शन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कॉनिक सेक्शन में वो पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला है, इसके लिए कंडीशन हम लोग डिराइव करेंगे थ्रू अ थ्योरम. और उसके बाद आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है. मान लीजिए पता चल गया कि कॉनिक सेक्शन के अंदर ये इक्वेशन एक पैराबोला है, तो पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला? क्या बोलेंगे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है, तो उसमें हम लोग रिड्यूस करेंगे. तो पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरम आपको प्रैक्टिस करना है और उसका कंडीशन जो हम लोग डिराइव करेंगे. अभी तक आपको पता था पैराबोला रिप्रेजेंट करने का कंडीशन, एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा? अगर e इज इक्वल टू कितना हो जाए, स्मॉल ई का वैल्यू सी बाई ए. तो ई इज इक्वल टू होता है, लेकिन पैराबोला होने के लिए ई कितना होना चाहिए? इक्वल टू वन होना चाहिए. तो अभी तक आपको पता है ई इक्वल टू वन होने से पैराबोला होता है, ई लेस देन वन होने से हाइपरबोला. तो उसको यूज करते हुए हम लोग एक नया कंडीशन डिराइव करेंगे पैराबोला होने के लिए. तो थ्योरम अगर आपका लिखा हुआ है तो ठीक है, मैंने वीडियो लेक्चर सेंड किया था, उसमें आपके पास थ्योरम था, मैं फिर से उसको रिपीट कर रही हूँ. थ्योरम इज find the condition that the general equation of second degree may represent a parabola
an ellipse or a hyperbola. ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा. इसका क्या कंडीशन है ये हम लोग डिराइव करेंगे इस थ्योरम में. सो किसी को याद हो गया तो बताइए, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी. वेरी गुड, ये आपको हमेशा याद रखना है. सो द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो. लीव इट एज इक्वेशन वन. अब कोनिक सेक्शन के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी बताया गया है? कोनिक सेक्शन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो तो एक कंडीशन है. जो हमने डेफिनेशन दिया था कोनिक सेक्शन का, उसके लिए आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने कहा था याद करने के लिए. क्या चीज? प्रॉपर डेफिनेशन जो कोनिक सेक्शन का देते हैं उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं? हाउ विल यू डिफाइन अ कोनिक सेक्शन? चलिए, क्लास में सब कराया गया अच्छे से, जल्दी बताओ कोई. कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन. Does that its distance from a fixed point bears a constant ratio to its distance from a fixed straight line? वो तो प्रॉपर डेफिनेशन हुआ जो आप रीड कर रहे हो. ऐसे दिमाग में आपके पास क्या आना चाहिए, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बताया था. कोनिक सेक्शन बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस आपको निकालना है एक बार फिक्स पॉइंट से और एक बार फिक्स स्ट्रेट लाइन से, एंड दैट विल बी अ कांस्टेंट रेशियो. है ना, उसको अपने लैंग्वेज में समझ के रखिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं वेयर वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट जिसको फोकस बोलते हैं, एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स. डायमेंशन ज्योमेट्री है, सो मेक अ रेक्टेंगुलर एक्सिस कोई भी कर्व ले लिया, देयर शुड बी अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, यानी एस इज इक्विवेलेंट टू जीरो. एक फिक्स्ड पॉइंट होगा उसको हम लोग एस नाम दे रहे हैं, एंड कोऑर्डिनेट ले लिया अल्फा बीटा. देयर शुड बी अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन हम लोग मान ले रहे हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो. द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी फॉर्म का होता है. हमने मान लिया जो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो होगा. एक मूविंग पॉइंट आपको लेना है पी, कोऑर्डिनेट इज एक्स वाई, जॉइन एस पी, और पी से आपको डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डालना है पीएम. एक हम लोग एस से भी परपेंडिकुलर डालते हैं, मान लेते हैं ये के है एम के. फिगर आपका बना हुआ होगा, वीडियो लेक्चर जो इससे पहले मैंने सेंड किया था उसमें होगा ये फिगर. एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है तो जस्ट मैं उसको रीड कर रही हूँ. फिगर क्लियर है सबको? यस मैम, एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है आपके पास, मैं जस्ट रीड कर रही हूँ.
So let S, capital S, coordinate is alpha beta. Let S alpha beta be the focus and let Lx plus My plus M equal to 0 be the directrix Mk of the conic section. Let Pxy be the moving point. Join SP and draw PM perpendicular to MK. Then by the definition of conic section, अब conic section के definition से हम लोग को क्या पता चलता है? क्या चीज constant होता है? क्या लिखेंगे? Conic section के definition What is this eccentricity? क्या लिखेंगे proper mathematical form में conic section के definition से? The distance जो language में आपने बताया उसका mathematical form बताइए क्या लिखेंगे? SP by PM is equals to A. Yes, it will be SP by PM is equal to E. This implies SP is equal to EPM. This implies थोड़ा हम लोग सेट कर ले रहे हैं दोनों साइड स्क्वायर करके तो SP square equal to E square PM square. Now how will you calculate SP? Yes. कुछ बोलना है किसी को? Visible है blackboard? Yes, ma'am. दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने हाउ विल यू कैलकुलेट एसपी एसपी कितना होगा रूट अंडर ए स्क्वायर पीएम स्क्वायर दैट इज ईपीएम सर एसपी का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर फिगर साथ में बना हुआ है अगर आपसे एसपी पूछा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर शुड बी x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर एंड pm स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा Lx plus My. Lx plus My plus. Divided by. Root over L root L square plus M square. है ना लेंथ है इसलिए जस्ट हम लोग आप मॉड लिख सकते हो या ब्रैकेट लगा दीजिए लेंथ है इसलिए पॉजिटिव होगा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं So, Lx plus My plus N divided by L square plus M square का whole square. इसको आपको simplify करना है, जितना आप simplify कर सकते हो. तो इसको break कीजिए, left hand side को, right hand side को, और उसके बाद हर एक term को आपको left hand side में ले जाना है and is equal to zero. बताइए आपको क्या equation मिलेगा? लेफ्ट साइड का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे राइट साइड का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे ये टर्म आपका इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा ई स्क्वायर से हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाकर फिर आपको अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट कैसे करना है मैं बता दे रही हूँ आप वेरीफाई कर लीजिएगा आपको यही स्टेप्स मिल रहा है कि नहीं ओके दो या तीन स्टेप्स के बाद आपको ये टर्म मिलेगा मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ जस्ट वेरीफाई यू विल गेट दिस टर्म और नॉट स्पेस छोड़ दीजिए एक या दो और उसके बाद मैच करा लीजिएगा आपको ऐसा इक्वेशन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पे भेजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्यों नहीं आ रहा है ये इक्वेशन
So you will get, after some steps of simplification, L square plus M square minus E square L square X square plus L square plus M square minus E square M square Y square minus 2L M E square XY minus 2 alpha L square plus M square plus E square ML X minus 2 beta L square plus M square plus E square MNY plus L square plus M square alpha square plus beta square minus E square N square equal to 0. अभी आप लोग लिख लीजिए ये स्टेप. वैसे वीडियो लेक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है किस तरह से अरेंज करना है, इससे पहले जो मैंने भेजा था. और नहीं तो आप इसको जस्ट पूरा सिंप्लीफाई कीजिए. टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, आपको देखना है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यही आ रहा है या नहीं. अगेन जितने भी टर्म्स में वाई स्क्वायर है उसमें से आपको वाई स्क्वायर कॉमन लेना है और देखना है ये जो कोफिशियंट है ये मैच कर रहा है कि. तो राइट दिस स्टेप एंड गिव इट एज इक्वेशन 2. हो गया. लिखा हुआ तो होगा आपके पास आई थिंक. यस लिखा हुआ है ना. तो इक्वेशन 2 आपको इस तरह से अपने से वेरीफाई करके देखना है, आपको इक्वेशन 2 यही मिलना चाहिए. सो अब इक्वेशन 1 के बारे में हमें पता है कि इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट. आ गया ना, वेरी गुड. सो इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट अ कोनिक सेक्शन देन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ये अभी हमने कंडीशन देखा. अगर इक्वेशन 1 कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है. हम लोग मान लेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 आइडेंटिकल है, दोनों कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दोनों आइडेंटिकल है. सो हेंस इक्वेशन 1 एंड 2 शुड बी आइडेंटिकल. और अगर आइडेंटिकल है यानी सिमिलर है तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो a का वैल्यू, स्मॉल a का वैल्यू कितना होगा? वैल्यू होगा तो एल इज इक्वल टू दिस टर्म, बी इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एम स्क्वायर, एच कितना, h का वैल्यू a स्क्वायर एल एम माइनस भी रहेगा ना g माइनस अल्फा एल स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एम एल f यहाँ पे, सी इज दिस वन. ठीक है, कंपेयर कर लिया हमने 1 और 2 को तो ये सारा टर्म आया. नाउ अगेन एक टर्म है जो जिसपे हमारा कंडीशन बेस करता है वो वैल्यू हम लोग अपने से निकालेंगे एंड फिर कंपैरिजन करेंगे. तो इसके बाद आपको अपने से याद करके निकालना है द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी. इस तीन के हेल्प से व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपको फाइंड आउट करना है. क्यों करना है ये आपको बाद में समझ में आ जाएगा.
हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए बी ही क्यों ले रहे हैं? अभी जस्ट मुझे जस्ट कैलकुलेट करके बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी यूजिंग दिस। एच का स्क्वायर करना है यानी इसका स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कितना मिल रहा है। एच स्क्वायर का मतलब हो गया ई टू दी पावर फोर एल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए मुझे क्या मिल रहा है। Can you get this type of term? ऐसा टर्म सारा है आपके पास थोड़ा अरेंज करने के बाद? डायरेक्टली नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको काम करना है। कैन यू गेट दिस टर्म? प्लस ही होगा माइनस में। वेरीफाई करके जल्दी बताइए कि आपको यही स्टेप्स आ रहे हैं। एक टर्म कैंसल आउट होगा फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म, और बाकी को थोड़ा अरेंज करेंगे तो इस टाइप से अरेंजमेंट हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. हो जा रहा है? जिनका नहीं हो रहा है अगेन वेरीफाई। दिस कैन बी रिटन एज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से भी ये बन जाएगा एल स्क्वायर माइनस वन, इससे भी बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर उस टर्म को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, सो वी आर लेफ्ट विद एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर माइनस वन। गिव इट एज इक्वेशन थ्री। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू दिस, अगर हम लोग सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर ले तो। नाउ अब हम लोग इसको केस वाइज डिस्कस करेंगे। सो ई के फॉर्म में आपको अभी मैंने डिस्कस किया, E के फॉर्म में आपको पता है पैराबोला होने का कंडीशन क्या होता है? इफ E इज इक्वल टू वन देन द कोनिक विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। सो इक्वेशन थ्री इंप्लाइज अगर ई का वैल्यू वन कर देते हैं तो इक्वेशन थ्री से आपको क्या मिलेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो।
सो दिस इज द कंडीशन जो अब आपको याद रखना है. अगर h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू जीरो आता है तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला. ठीक है, इसको एक लाइन में कंक्लूड करेंगे जो नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास. दैट इज इक्वेशन वन विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू. मोर जनरली हम लोग इसी को यूज करते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो. कभी कभी इस फॉर्म में भी दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना. नाउ केस टू, इलिप्स होने का कंडीशन. E less than 1 होने पे the conic will represent an ellipse. आपको बस सोचना है कि अगर E का value less than 1 है तो आपका h square minus AB का value positive होगा या negative होगा. पूरा simplify नहीं करना है, बस सोच के बताना है. अगर E less than 1 है तो क्या होगा? h square minus ab is less than 0. Less than 0 हो जाएगा, यानी negative ही आएगा, क्योंकि e square अगर less than 1 है, तो इसमें आप कुछ भी less than 1 value put कीजिए, और उसका square कीजिए, उसको simplify कीजिए, you will get a negative value. So if e is less than 1, थोड़ा सा इसको और simplify करके मैं दिखा देती हूँ. So if E is less than 1, then E square, क्या होगा? Less than 1 होगा या greater than 1 हो जाएगा? E पे condition भी है, जैसे मैंने बताया था, E का range कितना होना चाहिए? Less than one. Less than one तो ठीक है. E का range आपको दिया हुआ है बुक में कहीं पे, कहां से कहां तक दिया हुआ है? -1 to 1. -1 to 1 है या 0 to 1 है? वेरीफाई कर लीजिएगा, मुझे 0 to 1 लिख रहा है. तो 0 to 1 में कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, e is less than 1, तो e स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? लेस देन 1. लेस देन 1 ही रहेगा. सो e स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0. तो यानी अगर e स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 यानी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि उसको हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं. तो पॉजिटिव वैल्यू इनटू अ नेगेटिव वैल्यू इज अ नेगेटिव वैल्यू. सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0. सो इलिप्स होने का कंडीशन हो गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए. सिमिलरली केस 3, इफ ई इज ग्रेटर देन 1, then the conic will represent a hyperbola. So e greater than 1 implies e square is also greater than 1 and e square minus 1 is also greater than 0. यानी e square minus 1 का value भी एक positive value है, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर आपने कर दिया, तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू हुआ. सो इक्वेशन 3 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसा होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, कि दोनों टर्म पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. So h square minus ab is greater than 0. So this is the condition for hyperbola.
ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।